Hey guys, what is up? क्या हाल चाल है आप लोगों के? और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं Firebolt की एक बजट कॉलिंग स्मार्ट वॉच के बारे में जो कि है Firebolt Phoenix। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई इसका रिव्यू करो, तो हमने इसे मंगा लिया था। और ये जो स्मार्ट वॉच है जैसा आप देख सकते हो एक सर्कुलर डिस्प्ले के साथ आती है और इसका जो प्राइस है भाई 1999 रुपये है। तो भाई 2000 रुपये के नीचे मुझे नहीं लगता कि कोई और यहाँ पर आपको कॉलिंग जो फीचर के साथ कोई स्मार्ट वॉच मिल रही है। तो आज की वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, फीचर्स टेस्ट करेंगे और मैं बताऊंगा कि ये वॉच आपको लेनी चाहिए या फिर नहीं। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। लेकिन वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना और इस तरह का कॉन्टेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ये रहा हमारा Firebolt Phoenix का बॉक्स और देख सकते हो ये जो वॉच है आपको सर्कुलर डिस्प्ले के साथ मिलती है और यहाँ पर जो इसका साइज है वो है 1.3 इंच का, ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ आपको मिलेगी। और उसके अलावा इसके यहाँ पर कुछ फीचर्स वगैरह लिखे हैं, जैसे 1.3 इंच का आपको राउंड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर है, SPO2 100+ पोर्ट्स मोड है, यहाँ पर आपको मेटल बॉडी देखने को मिलती है तो ये अच्छी बात है इस प्राइस पॉइंट में, AI वॉइस असिस्टेंट है। और उसके अलावा पीछे भी कुछ इसके फीचर्स हैं, जैसे यहाँ पर SPO2 हार्ट रेट और स्लीप ट्रैकिंग का ऑप्शन है, IP67 की रेटिंग है, कैमरा कंट्रोल, वेदर अपडेट्स, तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं। तो ये इसका बॉक्स है, अब इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं और देखते हैं हमारी वॉच। और वॉच है जैसा आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से पैकेजिंग में आती है, तो इसको मैं इसके बॉक्स से बाहर निकाल लेता हूँ और इसको हम आगे देखेंगे, बाकी बॉक्स के कॉन्टेंट है उसे चेक कर लेते हैं। उसके अलावा ऑब्वियसली यहाँ पर इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पर एक इसकी चार्जिंग केबल है मैग्नेटिक पोको कनेक्टर पिन वाली, और ऑब्वियसली साथ में आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलती है, तो यूजर मैनुअल है यहाँ पर, वेलकम नोट है, कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं। तो ये तो इसके एक बॉक्स की कंटेंट है और अब आते हैं हमारे वॉच की तरफ। तो ये है Firebolt Phoenix और इसके ऊपर एक प्लास्टिक रैपर लगा हुआ है, तो मैं उसको हटा देता हूँ और देख सकते हो उसकी जो वॉच की जो स्क्रीन है वो आपको कुछ इस तरह से मिलेगी, 1.3 इंच का सर्कुलर डिस्प्ले। लेकिन जो सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पर नोटिस कर रहा हूँ वो यहाँ पर है इसकी बिल्ड क्वालिटी। तो यहाँ पर आपको इस वॉच में आपको मेटल की बिल्ड क्वालिटी मिलती है, तो कॉलिंग स्मार्ट वॉच है साथ में आपको यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी भी मेटल की मिल रही है, तो भाई इस प्राइस पॉइंट में तो डेफिनेटली काफी सही है। उसके अलावा इस वॉच के ओवरव्यू की बात करूँ तो ऊपर की तरफ जो एक ग्लास है ये भी यहाँ पर 2.5D टाइप का कर्व ग्लास है, तो ये सही है। उसके अलावा यहाँ पर जो फिनिशिंग है वो मैट ब्लैक टाइप की फिनिशिंग है और यहाँ पर एक क्राउन सा दिया हुआ, तो ये बटन की तरह काम करेगा। और पीछे की तरफ इसके सेंसर है, तो हार्ट रेट सेंसर, SPO2 सेंसर, चार्जिंग पॉइंट्स आपको मिलेंगे। उसके अलावा ऑब्वियसली ये कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, तो यहाँ पर स्पीकर ग्रिल है वो आपको नीचे की तरफ यहाँ पर देखने को मिलती है और जो माइक्रोफोन है वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। उसके अलावा जो स्ट्रैप्स हैं वो आपको यहाँ पर सिलिकन स्ट्रैप्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जो स्ट्रैप्स की क्वालिटी है वो काफी सॉफ्ट है और यहाँ पर ये जो स्ट्रैप्स हैं ये रिप्लेसेबल स्ट्रैप्स हैं, तो किसी भी 20mm वाले स्ट्रैप से आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। तो ये तो बात हुई इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में, और डिजाइन बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली बोलूंगा भाई जो इसका प्राइस है 1999 रुपये उसके हिसाब से काफी सही है, मेटल की आपको बिल्ड क्वालिटी मिलती है। तो अब जल्दी से मैं इसको ऑन कर लेता हूं और इसको अपने फोन के साथ पेयर करेंगे और इसके फीचर है उसे चेकआउट कर लेते हैं। तो वॉच को ऑन करने के लिए आपको यहां पर ये जो बटन है इसे प्रेस करके रखना है और यहाँ पर ये जो वॉच है ये ऑन हो जाएगी, तो देख सकते हो यहाँ पर Firebolt की ब्रांडिंग आ गई है। उसके बाद इसको अपने फ़ोन के साथ पेयर करने के लिए अपने फ़ोन में आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी है, द फिट, और यहाँ पर आपको ऐड डिवाइस पर टैप करना है और देख सकते हो यहाँ पर जो BSW049 यहाँ पर शो हो जाएगी, तो ये जो वॉच है ये आपके फ़ोन के साथ पेयर हो जाएगी। और वॉच को पेयर करने के बाद आपको नोटिफिकेशन में जाना है और यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन वगैरह उनको सबको इनेबल कर लेना है। लेकिन अब बात करते हैं इस वॉच के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर जो स्क्रीन आपको मिलती है वो मिलती है 1.3 इंच की सर्कुलर डिस्प्ले, और ये जो डिस्प्ले है ये एक LCD डिस्प्ले है, लेकिन यहाँ पर जो कलर्स वगैरह हैं जैसा आप देखते हो काफी सही हैं और डिस्प्ले की जो रेजोल्यूशन है वो है 240x240 पिक्सल। लेकिन अगर मैं इसके फंक्शंस की बात करूं तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर आपको जो डिफॉल्ट वॉच फेस है कुछ इस तरह से मिलेगा, इसको चेंज करना होगा तो इसकी स्क्रीन को होल्ड करके आपको यहाँ से ऐसे करके चेंज कर सकते हो और बहुत सारे आपको डिफॉल्ट वॉच फेसेस दिए हुए हैं और किसी को भी अगर आपको चेंज करना होगा तो इस पर टैप करके आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसके जो बेजल्स वगैरह है वो आपको कितने मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे जो वॉच फेसेस हैं आप इसकी ऐप के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो। और देख सकते हो यहाँ पर जो वॉच फेस की काफी बड़ी सी एक लाइब्रेरी है भाई, खत्म ही नहीं हो रही और भी लोड कर रहा है। लेकिन इसके अलावा अपना कोई जो वॉच फेस अगर आपको लगाना है तो वो भी आप यहां पर लगा सकते हो, तो यहां पर अपनी इमेज वगैरह भी अगर लगाना चाहते हो तो यहां से सेलेक्ट करके लगा पाओगे। लेकिन इस वॉच की अगर मैं UI की बात करूं तो होम स्क्रीन पे नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तो नोटिफिकेशन पैनल है, ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो एक टॉगल बटन है, तो यहां पर बैटरी स्टेटस, कनेक्शन स्टेटस, डे डेट दिख जाएगा आपको, यहां पर वेदर फोरकास्ट भी दिख रहा है, उसके अलावा बहुत सारे आइकन है। तो यहां पर सबसे पहले बैटरी सेविंग का ऑप्शन है, तो यहां पर जैसे आप इसको इनेबल करते हो तो स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है वो यहां पर कम हो जाती है और वाइब्रेशन डिसेबल कर देता है, तो यहां पर आपकी बैटरी बच जाएगी और यहां पर आपको नोटिफिकेशन भी डिसेबल कर देता है। लेकिन उसके अलावा यहां पर आपको एक थिएटर मोड भी दिया हुआ और थिएटर मोड में यहां पर सेम चीज काम करता है, लेकिन यहां पर आपको नोटिफिकेशन आती रहेंगी। उसके अलावा यहां पर टॉर्च का फीचर दिया हुआ है तो अंधेरे में काम आ जाता है, वाइब्रेशन इनेबल डिसेबल कर सकते हो यहां पर, और उसके अलावा ब्राइटनेस का जो ऑप्शन है वो यहां से आप इस तरह से एडजस्ट कर पाओगे। और ब्राइटनेस का जो लेवल मैं बोलूंगा कि यहां पर जो इसका प्राइस पॉइंट है उसके हिसाब से काफी अच्छा खास है, तो इंडोर आउटडोर में आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा यहां पर मेन्यू है लेकिन इसको हम आगे देखेंगे। उसके बाद होम स्क्रीन पर अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करते हो तो आपके शॉर्टकट कार्ड्स हैं, तो सबसे पहले एक्टिविटी का ऑप्शन है, तो यहां पर कितने स्टेप्स काउंट किए, कितनी देर तक आपने वर्कआउट किया, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहां पर देख पाओगे। उसके अलावा और स्वाइप करेंगे तो ऑब्वियसली यहां पर आपको कॉलिंग स्मार्ट वॉच दी हुई है, तो यहां पर आपके जो कॉलिंग के फीचर दिख जाएंगे, तो रीसेंट कॉल्स, डायल पैड और कॉन्टैक्ट्स, और कॉन्टैक्ट्स आप इसकी ऐप के थ्रू सिंक कर सकते हो, तो मैंने कुछ कॉन्टैक्ट्स उन्हें सिंक किया हुआ है। लेकिन डायल पैड में जैसे मैं यहां पर कोई एक नंबर डायल कर देता हूं,
तो जैसा आप सुन सकते हो कि यहाँ पर जो स्पीकर्स है वो कुछ इस तरह से, लेकिन मैं इसका जो वॉल्यूम एक बार डिक्रीज कर देता हूँ। और कॉलिंग का फीचर हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे कि आप कॉल म्यूट कर सकते हो, कॉल को अपने फ़ोन पे ट्रांसफ़र कर सकते हो या फिर फ़ोन से अपनी वॉच पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम के बाद आपको यहाँ पर कॉल काटने का ऑप्शन है, लेकिन जैसे बताया हम जो कॉलिंग का फीचर है इसको आगे चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर AI वॉइस असिस्टेंट का भी फीचर दिया हुआ है, तो यहाँ से आप जो अपना गूगल असिस्टेंट सीरी यूज़ कर सकते हो, तो ये भी काफ़ी सही है। उसके अलावा हेल्थ मॉनिटरिंग के ऑप्शन है, तो यहाँ पर हार्ट रेट सेंसर, SPO2 सेंसर दोनों यहाँ पर जो ट्रैकिंग है एक साथ आपको देखने को मिल जाएगी, और इसको मैं पहनूंगा तो चेक करेंगे। उसके बाद वेदर की इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर करंट एरिया का वेदर और यहाँ पर नेक्स्ट फ्यू डेज़ का जो फोकस आप देख सकते हो, तो 7 डेज़ का फोकस आप देख पाओगे। और उसके बाद यहाँ पर कैमरा शटर कंट्रोल का भी ऑप्शन है, तो अपने फ़ोन का जो कैमरा आप कंट्रोल कर सकते हो। म्यूजिक प्लेयर का ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो प्ले पॉज कर सकते हो, नेक्स्ट प्रीवियस जा सकते हो और यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर प्ले के बटन पर टैप कर रहा हूँ, तो यहाँ पर म्यूजिक है वो बजना शुरू हो गया है, और जो म्यूजिक है वो मेरे यहाँ पर वॉच में बज रहा है, तो इसको पॉज कर देते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आप नेक्स्ट सॉन्ग पर जा सकते हो और प्रीवियस सॉन्ग पर जा सकते हो, और ऑब्वियसली यहाँ पर जो वॉल्यूम है उसे इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हो। तो म्यूजिक और वीडियो कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हो, और ये जो फीचर है काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन जो म्यूजिक है, अगर आप चाहते हो कि आपकी वॉच में ना बजे, आपके फ़ोन में या फिर आपके ब्लूटूथ डिवाइस में बजे, तो आपको ब्लूटूथ सेटिंग में जाकर यहाँ पर मीडिया ऑडियो को डिसेबल करना होगा, और अब यहाँ पर आपके फ़ोन में बजना शुरू होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर ब्रीथ कंट्रोल का ऑप्शन है, तो अगर आप योगा वगैरह करते हो तो यहाँ पर आपको इनहेल और एक्सहेल करने को बोलता है, तो आप ब्रीथ कंट्रोल कर सकते हो, और ये वॉच जो वाइब्रेट भी होती है। तो ये इसके कुछ शॉर्टकट कार्ड्स हैं, और जैसा आप देख सकते हो जहाँ पर जो टच का रिस्पॉन्स है वो काफ़ी स्मूथ है, तो मुझे इसका प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी सही लगा। और उसके अलावा होम स्क्रीन पर अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करते हो, तो यहाँ पर इसके जो मेन्यू आपको दिख जाएगा और सारे फीचर्स आप यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर आपको इस तरह से एक डायल दिया हुआ है, तो आप इस तरह से चूज़ कर सकते हो कोई भी जो भी आप आइकन वगैरह चूज़ करना चाहते हो। लेकिन अगर आपको ये मेन्यू चेंज करना हो, आपको ये कन्फ्यूजिंग सा लगता है, तो आप इसके सेटिंग में जाकर यहाँ पर मेन्यू व्यू में जाकर आप इसको लिस्ट व्यू कर सकते हो। तो अब अगर मैं वापस से मेन्यू खोलता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर जो मेन्यू है अब जो लिस्ट स्टाइल में आ गया है, तो मेरे लिए भी आसान होगा आपको बताना। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टेप काउंट्स का ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर एक्टिविटी के फीचर्स हैं, स्लीप ट्रैकिंग, फोन के ऑप्शन, AI वॉइस, हार्ट रेट, ट्रेनिंग में आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, तो स्पोर्ट्स मोड जैसा आप देखते हो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएंगे, और प्लस के बटन पे टैप करोगे तो भी आप यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज उनको ऐड कर पाओगे, तो 100+ स्पोर्ट्स मोड आपको देखने को मिल जाएंगे। और किसी भी स्पोर्ट्स मोड को चालू करने के लिए आप इस पर टैप कर दीजिए, और यहाँ पर आपके जो भी एक्टिविटी वगैरह उसे रिकॉर्ड करना शुरू करेगा, तो कितने स्टेप्स काउंट किए, कैलरी बर्न करी, कितने आपने बीट्स पर मिनट हैं, तो ये सारी चीज़ें। उसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है वो है SPO2, वेदर का ऑप्शन है, शटर कंट्रोल, प्लेयर का ऑप्शन जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ब्रीथ कंट्रोल भी आप यहाँ पर कर सकते हो, और इसमें यहाँ पर आपको गेम्स भी दी हुई हैं कुछ, तो यहाँ पर यंग बर्ड और 2048 ये कुछ गेम्स हैं, तो टाइम पास करने के लिए आप ये जो गेम्स वगैरह है ये खेल सकते हो। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन यहाँ पर है वो है सेटिंग का, और सेटिंग में यहाँ पर स्टॉप वॉच, अलार्म, टाइमर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, मेन्यू व्यू हम देख चुके हैं, ब्राइटनेस भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, फोन का जो फीचर आपको यहाँ से इनेबल डिसेबल करना होगा, कॉल रीसेट यानी कि आपकी जो हिस्ट्री वगैरह रहेगी कॉलिंग की आप इसको रीसेट कर सकते हो, वाइब्रेशन यहाँ से आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो, थिएटर मोड, रीसेट, पावर ऑफ, अबाउट का ऑप्शन, और साथ में आपको QR कोड का ऑप्शन दिया हुआ। तो दोस्तों ये तो बात हुई Firebolt Phoenix के फीचर्स के बारे में, और जो फीचर्स हैं भाई, जो इसका प्राइस है उसके हिसाब से डेफिनेटली बोलूंगा भाई काफ़ी अच्छे खासे आपको मिल रहे हैं। और यहाँ पर जो सर्कुलर डिस्प्ले है वो भी मुझे काफ़ी सही लगा, दिखने में काफ़ी सही है। और एक और चीज़ बोलूँगा कि भाई इसमें जो आपको UI मिलता है वो यहाँ पर काफ़ी बटर स्मूथ है, तो किसी तरह से कोई स्टटर लैग वगैरह नहीं है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगती है। तो अब एक बार मैं इसको पहन लेता हूँ, इसका जो हार्ट रेट सेंसर, SPO2 सेंसर, और ऑब्वियसली इसमें आपको कॉलिंग का फीचर मिलता है, तो उसको यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं। और पहनने के बाद ये जो वॉच है, जैसा आप देख सकते हो इसकी जो इन हैंड लुक है वो कुछ इस तरह से मिलेगी, और दिखने में वॉच काफ़ी प्रीमियम लगती है, मेटल आपको बिल्ड क्वालिटी मिलेगी और काफ़ी स्लीक सा डिज़ाइन है, तो यहाँ पर जो सर्कुलर डिस्प्ले है वो काफ़ी सही लग रहा है, और मुझे लगता है कि जो थिन हैंड वगैरह रहेंगे जिनके, उनके भी हाथ पे काफ़ी सही लगेगी। और कंफर्ट वाइज भी बोलूँगा कि यार काफ़ी सही है, काफ़ी सॉफ्ट यहाँ पर स्ट्रैप्स हैं, तो अगर आप स्लिप ट्रैकिंग के लिए इसको लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन अब एक बार इसका जो हार्ट रेट और SPO2 सेंसर है उसको यहाँ पर चेक कर लेते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हार्ट रेट है उसे मेजर कर लेंगे, और ये जो वॉच है ये कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग है उसे सपोर्ट करता है, तो जैसा आप देखते हो यहाँ पर इसे मेरा जो बीट्स पर मिनट बताया वो बताया 87, और मैंने यहाँ पर एक SPO2 मीटर भी लगाया और यहाँ पर बता रहा है 85 और यहाँ पर बता रहा है 86, तो काफ़ी क्लोज यहाँ पर आपको जो रीडिंग्स देखने को मिलेंगी। उसके अलावा इसका जो SPO2 मीटर है उसको भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं, और यहाँ पर ये मेरे जो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बताएगा, और हर बार की तरह बोलता हूँ ये जो वॉचेज रहती हैं कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, तो आप सिर्फ इनको आइडिया लेने के लिए यूज़ कर सकते हो। और इससे मेरा जो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बताया वो बताया 96%, और मैंने यहाँ पर जो ऑक्सीमीटर लगाया उसमें बता रहा है 97%, तो जैसे मैंने बोला काफ़ी क्लोज यहाँ पर आपको रीडिंग्स देखने को मिलेंगी। उसके बाद इस वॉच को टेबल पर रख के भी चेक कर रहे थे कि फ्लैट सर्फेस पर रख के यहाँ पर ये जो हार्ट रेट और SPO2 की रीडिंग्स वगैरह देता है या फिर नहीं, तो सबसे पहले हार्ट रेट उसे मेजर करते हैं, और यहाँ पर देख सकते हो कि एक एरर आ गया, वापस से मैं दोबारा से टैप करता हूँ, और यहाँ पर भी जैसा आप देख सकते हो कि हार्ट रेट यहाँ पर मेजर नहीं करता है फ्लैट सरफेस पर रख के। उसके अलावा यहाँ पर SPO2 उसको भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं, और देखते हैं यहाँ पर कि फ्लैट सरफेस पर रख के SPO2 की रीडिंग्स देता है या फिर नहीं, और यहाँ पर भी एक एरर आ गया है, दोबारा से मैं टैप कर देता हूँ, और
देख सकते हो कि यहाँ पर हर बार यहाँ पर एक एरर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो सेंसर्स हैं वो काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। उसके अलावा कॉल या एसएमएस नोटिफिकेशंस की बात करें तो कॉल आने पर आपको कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन मिलती है, और जैसा आप सुन सकते हो कि जो वॉच है यहाँ पर रिंग कर रही है और काफी लाउड तरीके से रिंग कर रही है। आप इसको साइलेंट नहीं कर सकते मगर, लेकिन उसके अलावा कॉल काटने का ऑप्शन है, कॉल उठाने का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पर कॉल है उसे उठा लेता हूँ। और कॉल उठाने के बाद जैसा हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, तो मैं इसको काट देता हूँ। और उसके बाद एसएमएस नोटिफिकेशंस की बात करें तो वो आपको कुछ इस तरह से मिलेगी, और यहाँ पर आपको इमोजी या फिर कोई रिप्लाई का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, लेकिन आप यहाँ पर मैसेज वगैरह आराम से पढ़ सकते हो। उसके अलावा ऑब्वियसली एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, तो कॉलिंग का जो फीचर है उसको भी टेस्ट करना बनता है। तो यहाँ पर मैं एक नंबर है उसे डायल कर देता हूँ, और सबसे पहले हम इसका जो स्पीकर का वॉल्यूम उसे चेक करेंगे। तो जैसा आप सुन सकते हो कि यहाँ पर जो स्पीकर का वॉल्यूम है वो भी मैं बोलूँगी काफ़ी अच्छा खासा है, काफ़ी लाउड है, तो मैं एक बार इसको काट देता हूँ। और अगर आप इंडोर्स में कॉल लेना चाहते हो या फिर आउटडोर्स में भी कॉल लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप आराम से ले सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉइजी इन्वायरमेंट रहती है तो वहाँ पर ये जो कॉलिंग स्मार्ट वॉच रहती है थोड़ा सा इनका वॉल्यूम कम लगता है। लेकिन अगर मैं माइक की क्वालिटी की बात करूँ तो डेफिनेटली मैंने इस पर कुछ कॉल्स वगैरह ली हैं और माइक की क्वालिटी भी काफ़ी डिसेंट है, लेकिन फिर भी मैं आपको सुना देता हूँ कि इसकी माइक की क्वालिटी कैसी है ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। तो अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हो वो मेरे इस कॉलर माइक से सुन रहे हो, जैसा आप सुन सकते हो। तो अब इसका जो माइक है मैं स्विच कर देता हूँ, और अब जो आवाज़ आप सुन रहे हो वो सुन रहे हो यहाँ पर फायरबोल्ट फिनिक्स के माइक्रोफोन से, और इसका जो माइक है वो कहीं इस साइड पे है, शायद आप सुन पाओगे। तो यहाँ पर जो माइक की क्वालिटी है जैसा आप सुन सकते हो काफ़ी डिसेंट है, और मोस्टली हम जैसे वॉचेस पे इस तरह से बात करते हैं हाथ रखकर, तो आराम से आप इस पर कॉलिंग वगैरह ले सकते हो। लेकिन अगर आप कोई काम वगैरह कर रहे हो, थोड़ा सा हाथ आपका दूर वगैरह है, तो यहाँ पर जो माइक की क्वालिटी है जैसा आप सुन पाओगे कुछ इस तरह से मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर कॉलिंग यहाँ पर आप आराम से ले पाओगे, माइक की क्वालिटी काफी डिसेंट है। तो आपको कैसी लग रही है इसकी माइक की क्वालिटी वो आप मुझे कमेंट करके बताओ। तो ओवरऑल दोस्तों ये तो है फायरबोल्ट फिनिक्स, और एक चीज भाई डेफिनेटली बोलूंगा भाई, 2000 रुपए में आपको अब यहाँ पर कॉलिंग स्मार्ट वॉच मिल रही है जो कि भाई काफी इंप्रेसिव है, और यहाँ पर जो यूआई एक्सपीरियंस है वो भी काफी स्मूथ है, दिखने में जो वॉच है वो काफी सही लगती है, मेटल की आपको बिल्ड क्वालिटी मिलती है। तो मुझे लगता है कि भाई 2000 रुपये में ये जो वॉच है डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी है, और अगर आपको एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच चाहिए अंडर 2000 रुपीज़ तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो, और अगर आपने इसको खरीदना होगा तो मैंने इसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन दिया, आप जाकर चेकआउट कर लीजिए। तो आपको कैसी लगी ये वॉच ये आप मुझे कमेंट करके बताओ, और अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको बोलूँगा।